शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, वीडियो नंबर 104, और ये क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी जैम 2008 में, ठीक है। 2007 के सारे क्वेश्चन पीछे करवा चुका हूँ, ये 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने वो क्वेश्चन अब तक नहीं देखे तो प्लीज पीछे देख सकते हैं जाके, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक तरह से जो पिछला क्वेश्चन था 2007 का उसी तरह है, इसमें भी लेबनीज रूल ही लगेगा, ठीक है। क्या है अपना, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी टी डी टी वेयर जी इज द रियल कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है ऑन आर, देन हमें फाइंड करना है एफ डैस एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे हैं जीरो एक्स क्यूब जी एक्स जीरो से एक्स जी टी डी टी, और डी ऑप्शन है टू एक्स जीरो से एक्स जी टी डी टी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से करेंगे तो, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जस्ट आपको लेबनीज रूल पता होना चाहिए। लेबनीज रूल अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला एग्जाम्पल देख सकते हैं, और उससे पीछे मैंने एक एग्जाम्पल और करा रखा है इंटीग्रल कैलकुलस का, और ज्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो आप प्लीज लेक्चर्स देख लीजिए, वहां से आपको ज्यादा डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आपने देख नोटिस किया होगा, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आप देख रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट उससे बाहर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो सारा मैं कवर कर चुका हूँ लेक्चर्स में, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट से बाहर कोई भी क्वेश्चन जैम में आया नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा अपना लेबनीज रूल का, ठीक है। कैसे करना है, जस्ट सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, मैं एफ एक्स है, एफ एक्स का इस साइड तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस साइड जो है हमारा सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट नीचे पुट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की जगह हमें पुट करेंगे कैसे, डी वाई डी एक्स है हमारा जीरो से एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी टी डी टी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं आप ये एक्स स्क्वायर भी आ रहा है इधर और टी स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है, और ऊपर वाला जो फंक्शन है वो भी आ रहा है इधर। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा जो हम रेगुलर लगाते हैं वो तो लेबनीज रूल का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इधर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो जनरल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वो जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसा कि आपने पीछे नोट्स में देख सकते हैं, मैंने जो लेक्चर्स कराए हैं उसमें जनरल लेबनीज रूल भी लिखवाया हुआ है, और जो हमारा लेबनीज रूल जो इसका जो सिंप्लीफिकेशन आता है ना वो हम यूजुअली यूज करते हैं, मतलब नॉर्मली जो यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, जो मेन जो सबसे मेन है जहां से सारे लेबनीज रूल के जो हम पीसीस कर रहे हैं मतलब वो है, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, हमेशा जीरो से एक्स, ठीक है, हम इसको पार्शियली क्या रहेगा अपना जीरो से एक्स डी बाई डेल डेल बाई डेल एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी टी डी टी, ठीक है। फिर प्लस ऊपर वाली, ये तो हो गया हमारा इसके लिए एक्स के लिए, अब जो टी के लिए हम जो करते हैं वो नॉर्मल जो हमारा रहता है वो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को नीचे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टी की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी एक्स की जगह जी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1, और ये dx by dt, ठीक है, dx by dx आएगा इधर जो, सॉरी dx by dx करना होता है 1 होता है, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये अपना हो गया जनरल लेबनीज रूल, समझ में आया। इसमें जस्ट कुछ नहीं कर रखा, अगर आपने लेक्चर्स देखे उसमें लिखवाया था मैंने, अगर x square भी आ रहा है जो ऊपर फंक्शन है वो फंक्शन नीचे भी है हमारा, तो उसमें क्या रहेगा पार्शियली पार्शियली इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, तो इस ये तो हमारा जीरो हो चुका है, ये वाली वैल्यू जीरो हो चुकी है, तो हमारा बचा क्या है जीरो से एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, इसमें सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, बाकी जो टी है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया टू एक्स जी टी डी टी, ठीक है, ये आ गया अपना लेबनीज रूल से, ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब 2x बाहर 0 से x gt dt, ठीक है, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में है तो 2x क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट रहेगा, तो वो तो बाहर निकल गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। तो यहां से अपना आंसर क्या आया d, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, आप देख सकते हैं, अगर आपने मेरे लेक्चर अच्छे से देखे होते तो आप ये इजीली कर सकते थे, ठीक है। आप और आप मैं यही कहूंगा बच्चों, आप पहले ये करना, इस वीडियो को पॉज करना हर एक क्वेश्चन के, और पहले क्वेश्चन देखो फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद सॉल्व नहीं होता तो रिज्यूम कर दो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है,
ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।